जी सिमी जी, आप मेरे पास आए थे 30 मई को और आपकी शिकायत ये थी कि शायद कोविड के बाद आपको घबराहट, एंजाइटी, नींद ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। हमने आपको सुप्रज्ञा अर्घ दिया था अपना, बताए कैसा रहा आपका? सर बहुत ही फैंटास्टिक रहा। मेरी पैल्पिटेशंस, एंजाइटी, मेरा नींद ना आना, फीलिंग ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, वो सब मेरा बहुत सेटल हो गया। मैं ये बोलूंगी कि सुप्रज्ञा ने मुझे बहुत हेल्प किया टू कॉन्सेंट्रेट। मतलब मेरे को लगा कि मैं पहले इवन अगर पूजा भी करने की कोशिश करती थी तो ध्यान नहीं लगता था कुछ गलत कुछ होने वाला है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मैं सेटल डाउन हो गई, हेल्प मी सेटल डाउन। तो वो सेटल डाउन, और मुझे माइग्रेन के बहुत बाउट्स आते थे पहले, मतलब विद इन 15-20 डेज एक बाउट तो आ ही जाता था माइग्रेन का। और मैंने इसके लिए एलोपैथी की एक मेडिसिन आती है ट्रिप्टोमर, उसका मैंने सर 6 महीने का कोर्स भी किया हुआ है, बट वो भी थोड़े टाइम के लिए ही सब्साइड हुआ था। बट आफ्टर दिस थैंकफुल टच वुड, मेरे को उसके बाद सिर्फ एक बार, मई से लेके अब तक सिर्फ एक बार माइग्रेन का बाउट आया। उसमें भी मैंने बहुत हैवी मेडिसिन नहीं खाई है, मैंने सेरेडॉन खाई है, उसके बाद वो ठीक हो गया। मतलब 2-3 दिन रहा कोर्स, बट फिर वो ठीक हो गया। तो आपका आपका माइग्रेन कब से था? सर ये मेरे को 4-5 साल से। 4-5 साल ओके। एंड इन जनरल फ्रीक्वेंसी क्या है उसके अटैक्स की? सर माइग्रेन के अटैक्स मेरे को ऑफ लेट इतने फ्रीक्वेंट हो गए थे कि एवरी 15 डेज मुझे माइग्रेन होने लगा था, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे MRI बोल दिया था, जो मैंने कराया नहीं क्योंकि फिर मैं इधर आयुर्वेद की तरफ लग गई, तो वो मैंने कराया नहीं ऑफकोर्स। बट अब इसके बाद, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सुप्रज्ञा लेने के वास्ते फिर आपको आया ही नहीं है? एक बार आया सर, एक बार आया है, और सिर्फ सुप्रज्ञा ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैंने साथ साथ में जो डाइटरी चेंजेस आपने बोले थे, जैसे दही नहीं खाना है और उड़द की दाल और ऑल ऑफ दैट, राजमा, छोले, बैंगन, वो सब भी मैंने काफी कंट्रोल करे, तो आई थिंक वो भी शायद इंपैक्ट हुआ। नहीं अरे 100% हम जो डाइट करते हैं, पेट साफ रखते हैं, गैस नहीं बनने देते, बट एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स इन यू नो कंट्रोलिंग हेडेक और एनी काइंड ऑफ पेन एक्चुअली। अच्छा, और ये जो एंग्जाइटी वगैरह या पैल्पिटेशन, ये कोविड के बाद से थे या पहले भी आप फील करते थे? नहीं सर, मैं शुरू से थोड़ी सेंसिटिव टाइप की रही हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज्यादा थोड़ी सी भी प्रॉब्लम मैग्नीफाई हो जाती है। इनफैक्ट मेरी एक जानने वाली बच्ची है 18-19 साल की, तो वो एक दिन मुझसे ऐसी ओपन अप कर रही थी, पिछले हफ्ते की बात है, शी वाज टेलिंग मी कि आंटी मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला तो वो कहते हैं इतने छोटे बच्चे को डिप्रेशन नहीं होता, तो मैंने उसको भी सजेस्ट किया कि तू बेटा ये थी, इट हैज रियली हेल्प मी काम डाउन। सो डिप्रेशन का तो मुझे नहीं पता क्या हिस्ट्री, बट इट विल हेल्प यू काम डाउन। तो मैंने एक बॉटल उसको भी दी है,